Parents and lovely students, welcome to the online classes of Erudite School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. Class 2nd, subject Hindi, chapter 5th, and lecture number 1st. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be open, then you may clear to related teacher. यदि इस लेक्चर में आपको कोई भी डाउट हो तो आप उसे रफ नोटबुक में मेंशन कर लें. जब भी अपने स्कूल रीओपन होंगे तब आप अपने डाउट को सब्जेक्ट टीचर से पूछकर क्लियर कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नंबर 5th. गुफा बोली. तो चैप्टर का नेम क्या है बेटा? गुफा बोली. गुफा सबने देखी ना, डैन. देखो इस पिक्चर में बता रखी है डैन, है ना, गुफा. और बोली मीन्स कहा, उसने बोला कुछ, है ना. अब गुफा क्या बोलती है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके, तो उससे पहले हम कुछ वर्ड दे रखे हैं उनका हम उच्चारण अभ्यास करेंगे. ओके बेटा, सो मैं रीड कर रहा हूँ, फिर आपको भी रीड करना मेरे साथ में. ओके, जंगल, झांक कर, जरूर, बुद्धिमान, स्वागत, आवाज. जंगल, झांक कर, जरूर, बुद्धिमान, स्वागत, आवाज. ओके, so now I'm reading this chapter, so you have to read along with me. Okay बेटा, yes. सुंदर वन में एक बूढ़ा शेर था, उसे बहुत भूख लगी थी. बुढ़ापे के कारण वह शिकार नहीं कर पाता था. भूख से बेहाल जब वह जंगल में घूम रहा था तो उसे एक गुफा दिखाई दी. उसने सोचा कि अवश्य ही गुफा में कोई जानवर रहता होगा. उसने गुफा में जाकर देखा परंतु उसे कोई दिखाई नहीं दिया. चालाक शेर ने सोचा शायद गुफा में रहने वाला जानवर जरूर बाहर गया होगा. मैं गुफा के अंदर छिपकर उसका इंतज़ार करता हूँ. देखिए हम इस पैरा को समझते बेटा, कि सुंदर वन में एक बूढ़ा शेर था. बूढ़ा का मतलब होता है ओल्ड, है ना, वृद्ध. वह शेर था, क्या था, एक शेर. लॉयन देखा ना सबने, है ना, ये देखो शेर दिख रहा है ना, ये क्या था, एक ओल्ड था, बूढ़ा था, है ना. और सुंदर वन एक वन का नाम है, क्लियर. उसे बहुत भूख लगी थी, है ना. अब उसे क्या थी, बहुत भूख लगी थी. बुढ़ापे के कारण वह शिकार नहीं कर पाता था. देखो वह ओल्ड था, वृद्ध था ना, बूढ़ा हो गया था, तो क्या होता है उससे काम नहीं होता, यानी वो शिकार नहीं कर पाता, क्योंकि वो उतना अधिक ज़्यादा दौड़ नहीं पाता था. शिकार करने के लिए क्या करना पड़ता है, एनिमल के पीछे भागना पड़ता ना किसी पशु के लिए, तभी शिकार होता है, है ना. तो हम भी बताओ, जब भी हमारे भी घर में देखो बूढ़े दादा दादी बूढ़े हो जाते, तो वो उतना वर्क नहीं कर पाते जितना कि मम्मा डैडी दीदी करते हैं, है ना. तो वैसे भी वो वर्क बूढ़ा हो गया था, तो उसे दौड़ा नहीं जा सकता था, है ना, और भूख भी लगी थी उसको, तो वो शिकार नहीं कर पाता था. भूख से बेहाल, बेहाल का मतलब होता है बेटा परेशान. क्या होता है, बेहाल मतलब परेशान. तो भूख से परेशान जब वह जंगल में घूम रहा था तो उसे एक गुफा दिखाई दी. अब क्या हुआ, उधर भूख के मारे बेचारा इधर उधर घूम रहा था परेशान होकर, तो उसे एक जंगल में क्या दिखाई दी, गुफा, जिसे आप डेन कहते हैं ना, दिखाई दी उसे दूर. उसने सोचा, उसने क्या सोचा,
कि अवश्य ही गुफा में कोई जानवर रहता होगा। तो उसने क्या सोचा कि इस गुफा में जरूर कोई न कोई जानवर अवश्य रहता होगा, ऐसा उसने सोचा। फिर उसने गुफा में झांक कर देखा। हम भी कोई चीज़ नज़र नहीं आती तो हम झांकते ना, हल्का सा टेढ़ा होकर, तो वैसे झांक कर देखा, लेकिन उसे गुफा में कोई दिखाई नहीं दिया, है ना। अब चालाक, चालाक का मतलब होता है चतुर, तो चालाक शेर ने सोचा, उस चतुर शेर ने क्या सोचा कि शायद गुफा में रहने वाला जानवर ज़रूर बाहर गया होगा। उसने क्या सोचा कि इस गुफा में जो भी जानवर रहता हो ना, वो ज़रूर बाहर गया होगा, है ना। तो मैं गुफा के अंदर छिपकर उसका इंतज़ार करता हूँ। इंतज़ार का मतलब होता है वेट करना, प्रतीक्षा करना, है ना। तो उसने क्या सोचा कि इस गुफा में रहने वाला जानवर क्या होगा, वो कहीं बाहर गया होगा अवश्य, है ना, वो भी तो कुछ खाने पीने के लिए कुछ बाहर गया होगा, तो मैं इस गुफा में जाकर उसका इंतज़ार करता हूँ, यानी इस गुफा में छिपकर बैठ जाता हूँ और उसका वेट करता हूँ। ऐसा उसने किसने सोचा, शेर ने। अब आखिर पढ़ते हैं, देखो, शेर गुफा के अंदर छिपकर बैठ गया और प्रतीक्षा करने लगा। गुफा एक लोमड़ी की थी, लोमड़ी वापस आ गई। अब क्या हुआ, देखो, जो शेर गुफा के अंदर छिपकर बैठ गया, अब क्या हुआ, जो शेर था ना, उसने उसको जो गुफा दिखाई दी वह अंदर गया और वह छिपकर बैठ गया। क्यों बैठा, क्योंकि उसको पता था कि इस गुफा में रहने वाला जानवर वापस अवश्य आएगा, तो मैं उसका अंदर बैठकर इंतज़ार करता हूँ। प्रतीक्षा करने लगा, प्रतीक्षा का मतलब इंतज़ार, वही है ना, वेट करने लगा। गुफा एक लोमड़ी की थी, किसकी थी वो गुफा, लोमड़ी की थी, है ना, फॉक्स, ओके। लोमड़ी वापस आ गई। अब थोड़ी देर बाद जब वो वेट कर रहा था, तो लोमड़ी क्या हुई, वापस गुफा की तरफ आ गई, यानी लौट गई, ओके। हम अभी यहीं तक पढ़ेंगे, आपको यहाँ तक आपको अच्छे से रीड करना है और चैप्टर को समझना है, ओके बेटा। नाउ आई एम गिविंग यू होमवर्क, यस, दिस इज़ योर होमवर्क। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मैंशन सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर फिफ्थ एंड लेक्चर नंबर फर्स्ट। देखिए, शब्द पिटारा, यानी इस हमने जो पेड़ा पढ़ा ना अभी, जो पैराग्राफ, उसमें जो वर्ड आए थे, मेन वर्ड देखिए जो हार्ड थे, बूढ़ा। बूढ़ा का मतलब होता है बेटा, क्या होता है, वृद्ध, जिसको हम ओल्ड कहते हैं, है ना। बेहाल, बेहाल मीन्स परेशान। चालाक, ये चालक नहीं है बेटा, चालाक, ओके, आ की मात्रा, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुई है, चालाक, ओके, चालाक मीन्स चतुर, ओके। और इंतज़ार, इंतज़ार का मीन्स प्रतीक्षा, क्लियर, वेट करना, किसी का इंतज़ार करना, ठीक है। आपको इन फोर वर्ड्स को, बूढ़ा, बेहाल, चालाक और इंतज़ार, इनकी वापस इनकी मीनिंग भी लिखनी है। बूढ़ा मीन्स वृद्ध, बेहाल मीन्स परेशान, चालाक मीन्स चतुर और इंतज़ार मीन्स प्रतीक्षा, ओके। इनको अच्छी हैंडराइटिंग करना है और लर्न करना है, फिर अपने स्कूल के व्हाट्सएप नंबर 7568077458 पर सेंड करना है, ओके बेटा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।